अल्मोड़ा के सुभान सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। दो साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव के मुख्य पदों में एनएसयूआई ने कब्जा जमाया। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी पंकज कार्की ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने एबीवीपी प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह को 1277 वोटों के भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की। उन्होंने कुल 2063 मत जो है उन्हें मिले हैं। वहीं छात्र उपाध्यक्ष पद में भी एनएसयूआई का जलवा कायम रहा, जिसमें एनएसयूआई की रुचि कुटेला ने निर्दलीय प्रत्याशी दिव्या जोशी को 491 मतों से शिकस्त दी। इसके अलावा सचिव पद पर गौरव भंडारी, संयुक्त सचिव पद पर करिश्मा तिवारी और कोषाध्यक्ष पद पर अमित परत्याल ने जीत का परचम लहराया। बता दें एसएसजी कैंपस में इस बार छात्र संघ चुनाव में 5,500 छात्र छात्राओं में से 2,955 छात्र छात्राओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 106 वोट नोटा व रद्द हुए। इस बार अध्यक्ष महासचिव सहित 5 पदों के लिए 14 प्रत्याशी चुनाव में थे। उपाध्यक्ष पद पर पंकज परत्याल निर्विरोधी निर्वाचित हुए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हाँ, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया, ये मेरी जीत है। और जो प्रशासन का हमको सहयोग मिला, उस सहयोग की वजह से, और जो अपने मंडलों का, अपने विश्वविद्यालय का, अपने कर्मचारियों का, पुलिस प्रशासन का, अपने विभागाध्यक्षों का, अपने तृतीय चतुर्थ कर्मचारियों का, अपने पत्रकारों का जो मुझे सहयोग मिला है, मैं उस सहयोग के लिए मेरे पास धन्यवाद कहने के शब्द नहीं है। और यही कारण से जो ये आज चुनाव सफलता, इतना जटिल चुनाव जो है वो सफल हो पाया, ये मेरी अपनी जीत है।